आज मूवी प्रीमियर में मिड डे की तरफ से क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत 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 खुशी हो रही है कि यू नो आई लिव इन प्रेजेंट और प्रेजेंट मोमेंट अभी बहुत खूबसूरत है. आप सब लोग आए हैं, आपका सपोर्ट मिल रहा है और आज तक ऑडियंस का सपोर्ट मिला है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वो ज़रूर मिलेगा. एंड स्पेशली ये फिल्म तो ऑडियंस के लिए बनाई गई है. हम सबकी मतलब मिलती जुलती कहानी है इस फिल्म के अंदर, तो काफ़ी रिलेटेबल टॉपिक है, तो मुझे मैं काफ़ी होपफुल हूँ. एंड बात करूँ मूवी के ट्रेलर की, काफ़ी अमेजिंग ट्रेलर लगा है और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिला है. क्या कुछ कहना चाहोगे? आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर की रिलीज होने के बाद, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स तो देखिए काफ़ी अच्छा आ रहा है एंड हम खुशी हो रही है, मगर ज़्यादा खुशी तब होगी जब सब लोग थिएटर में आके, सिनेमा हॉल में आके इस पिक्चर को देखेंगे. क्योंकि देखिए अल्टीमेट गोल तो वही है कि फिल्म सब तक पहुँचनी चाहिए और सबको आकर देखनी चाहिए, तो ज़्यादा खुशी तभी होगी. और कमबैक हुआ है आपका बड़े पर्दे पे, पहली बार आप दिख रहे हो, सेम डायरेक्टर है, किस तरह की फीलिंग होती है और बड़े पर्दे पे डेब्यू होने जा रहा है, कल के लिए आप नर्वस हो, एक्साइटेड हो, क्या कुछ फीलिंग है? देखिए नर्वस तो डेफिनेटली हूँ क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. और सबसे बड़ी पर ये बात, इस बात के लिए खुश भी हूँ कि फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो आप अब तक काफ़ी सपोर्ट मिला है कि फिल्म रिलीज़ हो रही है, उसके लिए मैं खुश हूँ और नर्वस भी हूँ क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो हम देख रहे हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि ऑडियंस थिएटर में आके फिल्म को एंजॉय करे. बट या मुझे लगता है आएगी ऑडियंस और होपफुल हूँ और टचवुड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आप सबको ये बताने की कि 8 जुलाई फाइनली कल जो है फिल्म रिलीज़ हो रही है और आप सब आके देखिए और फिल्म को एंजॉय करें. दीपिका जी, ये जो टीवी से लेके अब तक का जो सफ़र है उसको कैसे डिफाइन करते हैं आप? बहुत ही उतार चढ़ाव, मैंने काफ़ी चढ़ाव भी देखे, उतार भी देखे हैं और अच्छी रोलर कोस्टर ड्राइव रही है मेरी. पर मैं सोचती हूँ कि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है एंड दिस इज़ द राइट टाइम. अगर इससे पहले मैं डेब्यू कर रही होती तो शायद मैं उतना बेहतरीन नहीं अपने आप को समझ सकती, मतलब बिकॉज मैंने जो भी चीज़ें एक्टिंग में सीखी हैं मोस्टली काम करके सीखी हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अच्छा एक्सपोजर मिला, जिसकी वजह से मैं अपने आप को एक एक्टर बोल सकती हूँ आज. और क्या डिफरेंस महसूस किया आपने, आपने जो है टेलीविजन शोज किए और डेब्यू कर रही है फिल्म की तरफ, क्या डिफरेंस महसूस कर रही है? देखिए डिफरेंस फिल्म का काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि फिल्म थोड़ी अलग है, जिस तरह की बॉलीवुड हम फिल्म देखते आ रहे हैं अब तक, कि फिल्म उससे काफ़ी अलग है. तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को इस फिल्म को देखने आने के लिए कुछ पुराना अगर दिमाग में रहेगा तो वो शायद उतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फिल्म अलग है और काफ़ी नेचुरल है, काफ़ी रिलेटेबल है. तो इसलिए ये मुझे लगता है कि कंटेंट टू कंटेंट डिपेंड करता है आपके ऊपर. तो मेरा जो पहला मैंने काम किया है वो कंटेंट अलग था और उसकी शूटिंग अलग थी, इसकी शूटिंग अलग है. तो इसमें यही अलग था कि जितना हो सके मैं नेचुरल रहूं और कैरेक्टर बहुत अलग है, लड़की ज़िद्दी है तो इतनी आसानी से रोती नहीं है, इनफैक्ट रोती ही नहीं है और तो बहुत अलग है. तो इसका जो साइकोलॉजी थी इसको समझने में, उसमें मुझे मैंने वो अलग तरीके से इसको कंसीव किया है. आई एम होपफुल कि सबको ये पसंद आए जो मैंने इस बार अलग कुछ कोशिश की. आपके किरदार के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि सॉरी आई मिस्ड, क्या किसके बारे में? आपके किरदार के बारे में थोड़े जानना चाहूँगा. और नाम टीटू अम्बानी है, काफी अमेजिंग सरनेम, तो काफी अमेजिंग है, क्या कुछ कहना चाहोगे नाम से और आपके किरदार के बारे में? देखिए टीटू अम्बानी फिल्म का नाम है तो मुझे लगता है एकदम से स्ट्राइक होता है दिमाग को, क्योंकि अम्बानी जो है ही इज़ द लाइक हमारे हम सभी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, यू नो ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन आर कंट्री इन द वर्ल्ड. सो और टीटू जो है वो कैसे मतलब चौथी सीढ़ी पे पैर रखना चाहता है, जैसे कि आपने ट्रेलर में रघुबीर सर का डायलॉग भी सुना होगा कि सीधा चौथी सीढ़ी पे पैर रखोगे तो सीधा गिरोगे, तो वैसे ही है कि वो कैसे ठोकरे खाता है और कैसे अपना जो ड्रीम है कि वो इतना रिच बने वो कैसे पूरा करता है, क्या क्या रुकावटें आती हैं उस. वो टीटू और मौसमी एक दूसरे से प्यार करते हैं. मेरे कैरेक्टर का नाम मौसमी है, ये एक अलग इंडिपेंडेंट लड़की है और ज़िम्मेदार लड़की है. तो कैसे इन दोनों की लाइफ चलती है, शादी के बाद क्या तकरारें होती हैं और कैसे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी यू नो आजकल की जो कहानी है उससे ही इंस्पायर्ड है ये भी. शादी के बाद जो है रोहित जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑन सेट? देखिए काफ़ी सालों से मैं काम कर रही हूँ तो जैसा मैं सेट पे काम करती हूँ वैसा ही रहा.
ये था कि हाँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि काम काम में कर रही हूँ ऑनेस्टली. एक कंफर्ट तो था ही क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को जानते, आप रोहित को जानते हैं, उनके टीम को जानते हैं, असिस्टेंट्स को भी जानती थी मैं, तो ऑब्वियसली एक अलग लेवल का कंफर्ट तो था ही. तो स्क्रीन काउंट के बारे में कुछ आप बता सके किस तरह से रिलीज हो रही, कल कल कितने स्क्रीन्स पे रिलीज हो रही है? ये तो एक्चुअली आई थिंक 300 थिएटर्स पे फिल्म रिलीज़ हो रही है और मुंबई में भी काफ़ी काफ़ी जगह पे रिलीज़ हो रही है. ज़्यादा आंकड़ों के बारे में मुझे नहीं पता है क्योंकि देखिए मैं एक्टर हूँ फिल्म में और मैं अपने काम से ज़्यादा वो रखती हूँ, बट धीरे धीरे आई थिंक शाम तक अच्छे से पता लग जाएगा कि बुक माई शो पे यू कैन ऑर्डर बुक योर टिकट्स और जाकर टिकट खरीद भी सकते हैं. तो ऑलमोस्ट काफ़ी 300 स्क्रीन्स आई थिंक बहुत इनफ है और अगर फिल्म अच्छी चलेगी तो डेफिनेटली स्क्रीन बढ़ जाएगी. दीपिका जी आर सिटी में आई हैं आप, क्या यहाँ पर भी फिल्म रिलीज होने वाली है और कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का? डेफिनेटली आर सिटी में आई हूँ तो फिल्म तो रिलीज हो रही है, आज आके मैं खुद एंजॉय कर रही हूँ फिल्म को आप सबके बीच और सारी ऑडियंस के साथ में और बहुत खुशी की बात है. इतना बड़ा इनॉक्स का थिएटर है और यहाँ मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर भी हमारा शो लगा है. दीपिका जी लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस सीखने वाली है कल फिल्म के लिए, क्या यूएसपी होने वाली है और जो आपके फैंस हैं बहुत सारे से आपको देखना चाहते थे और फाइनली बिगेस्ट डेब्यू कर रही है ऑन स्क्रीन, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इतने सालों से मुझे मैसेजेस कर रहे थे सोशल मीडिया पे, यू नो कि कब दिखूंगी कब दिखूंगी कब दिखूंगी, यही वो रीजन था कि इतने सालों से मैंने यू नो ब्रेक लिया हुआ था कि फाइनली अब मेरा कमबैक इस फिल्म के जरिए मैं वापस फिर से आ रही हूँ. तो बस अब मैं आ गई हूँ, प्लीज़ आकर आप एंजॉय करें फिल्म को, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी क्योंकि ये फिल्म आपके लिए बनाई गई है और काफ़ी रिलेटेबल है. हमने बहुत कोशिश की है कि आप सबको ये पसंद आए, मगर आप आएंगे तो ही मज़ा आएगा. तो प्लीज़ आकर 8 जुलाई कल ही आ गई है फिल्म को थिएटर में आकर देखें. थैंक यू. ओके सो गाइस कल के लिए कितने ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्या कुछ रिस्पांस मिला है ट्रेलर से जानना चाहूंगा. यार ट्रेलर के साथ साथ हमारा दिल्ली का एक स्क्रीनिंग हो चुका है जब हम ट्रैवल कर रहे थे पूरे प्रमोशन में, तो जिस किस्म का रिस्पांस आया है कि लोगों को बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगी कहानी, सबको लगा हमारे घर की है, जो कि हम लोगों को बहुत ज्यादा सरप्राइज हो, हम इतना इस किस्म का प्यार जो मिल रहा था रिव्यू में हमें बहुत मजा आया. और अब दिल्ली में चीजें बॉम्बे में चीजें शुरू हुई हैं तो बहुत एक्साइटमेंट है. आज हमारा यहाँ बॉम्बे का स्क्रीनिंग है, अभी चल रही है अंदर स्क्रीनिंग, तो अब यही इंतजार होता है किसी भी एक्टर का, इतने साल आप महीने साल लगा के आप फिल्म बनाते हैं और आप इसी दिन का इंतजार है, तो बहुत एक्साइटमेंट है. डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाके आप लोग ने प्रमोशन किया, कोई ऐसी बातें जो कॉमन लगी हो प्रमोशन के दौरान, कोई ऐसा रिस्पॉन्ड जो कॉमन लगा हो आप लोग को? अगर एक बात करूँ तो जो टॉपिक है जिस बात है वो हर शहर में जहाँ भी हम गए हैं वहाँ पे हमें एक किस्म का रिस्पॉन्स मिला है कि लोगों को लगा यार ये कहानी सबके घरों में होती है. हर जन ने हमसे कहा है कि यार ये मेरे घर में भी बात होती है ना, शादी के बाद लड़कियों का एक रिलेशनशिप होता है अपने नए फैमिली के साथ और माँ बाप के साथ, और लड़के कैसे डील करते हैं इस चीज़ के साथ और लड़कों का एक अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो हर जने ने हमसे एक बात करी और जहाँ भी हम लड़कियों से मिले हैं सब ने एक ही किस्म का रिस्पॉन्स दिया. तो मुझे लगता है वो एक कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ थी कि लड़कियों को लग रहा था मतलब कि हाँ इस तरह कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उनको भी डिफिकल्टी होती है अपने पेरेंट्स की हेल्प करने में, पेरेंट्स ही हेल्प नहीं लेते, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की चीज़ आ रही है क्योंकि वो इस चीज़ से इन सिचुएशन से गो थ्रू कर रही हैं, स्पेशली वर्किंग लड़के इंडिपेंडेंट लड़कियाँ. और साथ में जितने भी लड़के हैं उनको ये बोला जाता है ना कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप तो लड़के हैं आपका काम है, तो कहीं ना कहीं वो आइडिया कि यार आप सक्सेस हो किस तरीके से नापा जाता है और हमेशा आपसे बोला जाता है कि नहीं बेहतर करो जो आपके पिछले परिवार वालों ने किया उनसे ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से जो एक लड़का लड़की जो चीज़ों में जूझते हैं यूथ, आई थिंक उन दोनों चीज़ों के साथ लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया और हम वही चीज़ करना चाहते थे फिल्म के थ्रू और वही हो रही है. आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कहाँ पे इसकी शूटिंग हुई, कुछ लोकेशन के बारे में मैं जानना चाहूँगा और एक्सपीरियंस कैसा था? उदयपुर में शूट हुई है और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा क्योंकि तुषार इतने अच्छे बेहतरीन एक्टर हैं आप सब जानते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया काम करके. यू नो चैलेंज लगा कि नहले में दहला वाली जो बात होती है वो फील हुई और मुझे लगा कि मैं कैसे कैसे बेहतर करूं कि मेरा भी थोड़ा सा नाम हो जाए. तुषार आपसे जानना चाहूँगा, जब आपको किरदार के बारे में आपको बताया और नाम बताया कि टीटू अंबानी होगा, तो आपके दिमाग में क्या कुछ आया? अंबानी, वी ऑल नो अंबानी इज अ रिच सरनेम. या
तो कहीं ना कहीं जब मुझे कहानी दी गई ना पढ़ने के लिए, तो जब मैंने टाइटल पढ़ा तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई कि है क्या ये, कि जब तक आप कहानी नहीं पढ़ते टाइटल अपने आप को एक क्यूरियोसिटी देता है। तो मैंने जब टीटू अम्बानी पढ़ा तो मुझे ना बड़ा मजा आया, बिकॉज टीटू बड़ा एक लोकल लड़के का नाम लग सकता है ना, गली में लड़का खेलने वाला, कोई ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं लगता है, आम लड़का है, और साथ में अंबानी सरनेम जुड़ जाता है। तो जब वो पढ़ी तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, जब कहानी पढ़ने लगा तो समझ में आया कि यार इसका मतलब क्या है और क्यों वो कैरेक्टर ऐसा बनता है। और कहीं ना कहीं एज एन एक्टर हम सबको यार एक एस्पिरेशन होती है कि अब कहानी आपके ऊपर हो, आप टाइटल रोल प्ले करें, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक साथ मिली और कहानी इस तरीके की है, पिक्चर देखने के बाद लोग वो थॉट अपने साथ घर लेके जाएंगे और सिर्फ एंटरटेन होकर ख़त्म नहीं हो जाएगी वो बात। तो ये सारी बातें आर्टिस्ट हमेशा चाहते हैं कि यू नो ऐसे कहानी के साथ जुड़ें, तो वही रहा। और उदयपुर में हमने शूटिंग करी और रोहित जो डायरेक्टर और राइटर हैं इस फिल्म के, उन्होंने बहुत चुन के उदयपुर फाइनलाइज किया, बिकॉज कहीं ना एक छोटे शहर की कहानी, और हम बहुत आजकल देख रहे हैं छोटे शहरों की कहानी बन रही है और वो सारी वो तंग गलियाँ छोटे जगहों में ही होती हैं। कहीं ना कहीं विजुअली ना उदयपुर ने हमें वो दोनों फीलिंग दे दी कि वो छोटा एक इलाका भी लगता था और बहुत खूबसूरत भी था, जैसे हम सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं उदयपुर को, तो कहीं ना कहीं वो बहुत एक्सपीरियंस ही हमें बहुत अच्छा लगा और शूटिंग करने भी बहुत मज़ा आया। उदयपुर की चर्चा हुई है तो उदयपुर में हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई है जी। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, आप दोनों से जानना चाहोगे कि फेयर था अनफेयर था? यार मैं तो यही कहूँगा बहुत बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और कोई भी गलत बातें नहीं करनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, बिकॉज पहली बात तो पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में बोलना। ऑब्वियसली किसी भी फॉर्म ऑफ वायलेंस इज़ रॉन्ग, इट्स अनफेयर, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई थिंक उसके बाद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज जैसी बातें कम्युनल हो जाती हैं तो हम सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे तनाव ज़्यादा बढ़े। तो आई थिंक वायलेंस इज़ रॉन्ग एंड आई थिंक मैं इतना ही अभी कहना चाहूँगा। मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि ऑब्वियसली अगर हम कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ और ज़्यादा पकड़े हवा। तो ऑब्वियसली जो गलत है वो तो गलत है ही, वायलेंस तो जैसे तो चाहना, मैं पूरा एग्री करती हूँ कि वायलेंस तो नहीं करना चाहिए और बस इतना ही। ओके सो लास्टली जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहूँगी, एक स्मॉल मैसेज। 8 जुलाई कल आ ही गई है और फाइनली हमारी फिल्म आ रही है थिएटर में जो आपके लिए बनाई है, तो प्लीज आकर इसे एंजॉय करें। सिनेमा हॉल में अपनी टिकट बुक करें, बुक माई शो पे आप जा सकते हैं और जाकर टिकट ले सकते हैं। गिव अस अ चांस, दिस अ डिफरेंट फिल्म विच इज मेड ओनली फॉर यू, तो डू एंजॉय। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत बार क्या होता है कि बहुत जब बड़ा बैनर नहीं होता है ना तो बहुत बार लोगों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है एज मेकर्स एज आर्ट एक्टर्स। और कहीं ना कहीं बहुत कोशिश करिए कि यार हमने एक छोटी और ऑनेस्ट फिल्म बनाई है, जिस किस्म के एक्टर्स इस पिक्चर से जुड़े हैं उन सबको हमने देखा है, रघुवीर जी, वीरेंद्र सक्सेना, सपना सान, समता सागर, सब बहुत क्रेडिबल एक्टर्स हैं और म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, सिंगर्स बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश की है यार कि हम ऐसी छोटी फिल्म को थिएटर तक लेके आएँ, क्योंकि आजकल ऐसी फिल्में सिर्फ OTT तक जा पाती हैं। तो कोशिश वही है कि हम ऐसा कुछ बना पाएँ और लोगों का सपोर्ट होगा तो ही इस किस्म की कहानी और आगे बढ़ पाएंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक ऐसी कहानी को लाना जो बहुत ज़्यादा थिएटर में नहीं खुलेगी। तो मेरी कोशिश यही है कि एक बार आप मौका दें और आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। सर एक